कैसा है ये? बिल्कुल वैसा जैसे हानिया ने कहा। ये व्हाइट मलाक का प्यारा सा ड्रेस, ये ऐसा लग रहा है बस मैं ये वाला ले लूं। मेरी मलाक छोटी सी नन्ही सी पड़ी लगी थी उसका। मस्जिद नबी से इतना प्यारा सा गिफ्ट मिल गया है। और जो मुझे अभी तकसीम कर रहे सब में मैंने तो ले लिए, तो अभी जाके मैं देखती हूँ मुस्तफ़ा को और उनके पापा को। ये लिए मैंने हानिया के लिए, देखे अच्छे हैं। और ये वाला भी बहुत ही क्यूट है। घर से अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की मार्केट मजाया मॉल में। वहाँ पे छोटे बच्चों की ड्रेसेस बहुत प्यारी होती हैं। अभी हम आ गए हैं मार्केट मदीना मुनव्वरा की मार्केट मजाया मॉल में। और मैं यहाँ पर अभी यही कह रही हूँ कि मेरी मलाक के लिए मुझे एक प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस मिल जाए और मुझे ज्यादा जदोजहद करने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल चलते हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, स्पेशल छोटी बच्चियों के जो फ्रॉक्स होते हैं ना। अभी चल के अंदर दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए ये कितना प्यारा है ना, तो मना ये बहुत ज्यादा प्यारा है। इसलिए भी मुझे प्यारा लग रहा है क्योंकि ये कलर जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये वाला प्यारा है ना, ये वाला भी प्यारा है। सारे जितने यहाँ पे हैं सारे प्यारे हैं, सारे प्यारे हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना मलाक के लिए कोई पिंक लूँ या व्हाइट में लूँ, है ना। पिंक व्हाइट या रेड? रेड नहीं, रेड नहीं, या पिंक या व्हाइट, ब्लैक ले लेते हैं। खाने ने भी मुझे यही कहा है कि या आपने पिंक लेना है मलाक के लिए या व्हाइट लेना, व्हाइट लेना, इन दोनों में से एक लेना है। मैं हानि की बात पे अमल करूंगी। अभी हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन ये जो है ना ये नॉर्मल जैसे घर में पहनने के लिए जो ईद का स्पेशल ड्रेस होता है ना वो नहीं मिलेगा ऊपर, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बड़ा है। और साथ ही इसके पीछे ये देखें ब्लैक, ब्लैक भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें भी मलाक का साइज नहीं मिल रहा। ये वाला कैसा है? ये बिल्कुल वैसा जैसे हानिया ने कहा है, व्हाइट भी है और पिंक भी है। ये थोड़ा बड़ा है ना, इससे छोटा देते हैं साइज में, ये मलाक को सही आएगा। ये रहा मेरी मलाक का प्यारा सा ड्रेस, ये ऐसा लग रहा है बस मैं ये वाला ले लूं मलाक के लिए, है ना। ये वाला भी प्यारा है, यहाँ पे सारे बहुत प्यारे हैं जितने भी खड़े हुए हैं। और ये वाला देखिए, ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत, ये वाला ले लेते हैं, है ना। इसमें साइज छोटा ले ले, साइज छोटा इसमें देखते हैं, मुझे तो लग रहा था यही लास्ट साइज है उसमें, नहीं होगा इसमें छोटा। व्हाइट से ये ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। इस वाले पे ना जैसे कहते हैं ना कि दिल आ गया, इस पे ना मेरा दिल आया हुआ है। बस मैं कहती हूँ कि यही ले लो मेरी मलाक पे, बिल्कुल ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये बहुत सूट करेगा उसके ऊपर। लेकिन ये ना बड़ा है उससे मलाक से ना, मेरी मलाक छोटी सी नन्ही सी पड़ी लगी थी मेरी जान। उसका फोटो शूट कटवाएगा ना वो बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। सच में के साथ का हमें हेयर बैंड मिल जाए व्हाइट कलर का हो या इसी कलर का हो, इसी कलर में अगर मिले तो ज्यादा प्यारा लगेगा, है ना। तो मन्ना ये वाला देखा है, सारे प्यारे हैं, कितना प्यारा है। लेकिन ये लगता है आ जाएगा, ये देखो ये वाला आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। यही वाला ले लेते हैं, आ जाएगा। लेकिन ऊपर से देखो यहाँ से ओपन है, तो हम कर लेंगे जैसे जैसे एडजस्ट। अभी ना हमने इन भाई से पूछा तो ये कह रहे हैं कि ये लास्ट था, लास्ट ये नंबर है 20 नंबर में, बस इससे छोटा नहीं है। और अभी मुझे बहुत ना बैड फील कर रही हूँ मैं इसके लिए कि ये मेरी मलाक नहीं पहन सकती। फ्रॉक तो नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत इधर उधर भागे, पूछा भी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। तो एक मैंने ड्रेस ले ली है मलाक की ईद के लिए। और यहाँ पर अभी मैं देखने आई हूँ शूज, अभी छोटी बेबीज के शूज हैं, ये भी देखें काफी बड़े लग रहे हैं। अब इनमें भी मसला होगा, छोटे बच्चों की चीजें ऐसी होती हैं ढूंढने में ना काफी मसला होता है। अभी मेरे लिए ये रिंग लेकर आई है, तो ये पहन के देखें कैसी लगती है। पहन करी मैंने कहा इसको ले, अच्छा इसको लूं जी। ये मुझे कह रही पहन कर कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। हाँ ये ले लें आप, मेरे अबाया के साथ मैच हो गई। शॉपिंग हमने कर ली है, बस यहाँ से अभी बिल बनवा रहे हैं। इतना प्यारा सा गिफ्ट मिल गया
जाते ना, जैसे ही हमने यहाँ पे आए हैं तो आजान भी हो गई थी, जल्दी जल्दी फिर हमने तकसीम करने की कि जो रोजेदार है जो रोजा खोले तो उनको जल्दी जल्दी से हम ये दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ्तारी हमारी हो गई यहाँ पर, नमाज भी हमने पढ़ ली है और आज जो है ना अलविदा रमजान, अलविदाई का टाइम बल्कि हो गया है। तो यहाँ पर हमारी ईद होगी इंशाल्लाह। मेरी जान छोटी सी, सबको ईद मुबारक दे दो। रमजान में मलाक ने देखे उम्रा भी किए, ज्यारतें भी किए हमारे साथ। कहाँ कहाँ पे गए मलाक हमारे साथ, माशाल्लाह मलाक का दूसरा उम्रा था ये रमजान में, है ना। ठंडी ठंडी हवा ले रही मस्जिद नबी में बैठ के। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबी से घर जा रहे हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए थे यहाँ पर, हमने खाना तकसीम किया, रोजा अफ्तार किया, उसके बाद हम जा रहे हैं। हवा बहुत ठंडी चल रही है, मौसम बहुत ही ज्यादा खुशगवार हो गया है और कल हमारी ईद होगी इंशाल्लाह। रमजान का जिस तरह से हमने खूबसूरत इस्तकबाल किया था, इंशाल्लाह ईद का भी वैसे ही करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आ गए हैं अलकारात मॉल और मेरा लाल भी यहाँ पर मेरे साथ ही आया है, क्योंकि हमेशा इसके साइज में कोई ऊपर नीचे कोई कुछ न कुछ हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने इसे कहा कि आप भी मेरे साथ चलो ताकि फिर अभी कोई मसला ना हो, क्योंकि आज सुबह ईद है तो मैं कहाँ जाऊँगी फिर चेंज करने या वापस करने के। मोटे हो गए? नहीं नहीं मेरा बच्चा इतना मोटा नहीं है। चले अब, चलो अभी हम चलते हैं ठीक है जूतों वाले सेक्शन में, जब तक आपके पापा भी आ जाएंगे। पहले हम गए थे जो हमारे पीछे जूते नजर आ रहे हैं इस साइड पे गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऊपर जाएं, अभी मैं और मुस्तफा जा रहे हैं ऊपर पर जाके देखते हैं जल्दी जल्दी से जो है ना हम करते हैं अपनी शॉपिंग यहाँ से खत्म, क्योंकि घर पे जाके बहुत सारे काम कर रहे हैं, फिर बहुत सारी हमने तैयारियाँ करनी है ईद की। आप यहाँ पे मुस्तफ़ा के देखें, मैं जाके हानिया के देखती हूँ। हटो मुस्तफ़ा यहाँ से, हट जाओ, मैं जाऊँ हानिया के देखने। काफी देर ढूंढने के बाद तो फाइनली मैंने हानिया के लिए ये वाले शूज लिए हैं। हानिया के ईद के कपड़ों से ना यही मैच हो रहे हैं, मैंने तो ले लिए हैं, तो अभी जाके मैं देखती हूँ मुस्तफ़ा को और उनके पापा को कि उन्होंने लिए हैं कि नहीं लिए। वो रहे, यहाँ से घूम के उधर चली गई थी और ये यहाँ पर थे, मेरे साथ ही में थे। मुस्तफ़ा कहाँ है आपके पापा? हाँ आपके पापा कहाँ है? ये वाले जूते कहाँ से लिए थे? ये वाले जूते कहाँ से लिए थे? हाँ। कहाँ से लिए थे? आप बताओ। आपको याद नहीं है? मुझे भी याद नहीं। अच्छा बताओ अभी आपके पापा हैं कहाँ? ढूंढ ढूंढ के थके, नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे? देखो मैंने ये लिए आने के लिए। अच्छे वो रहे। हाँ मिले हैं कोई शूज मुस्तफ़ा के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहे, कोई भी देख लें, कोई स्लीपर में कोई डिजाइन देख लें, शलवार कमीज के साथ अच्छा लगेगा। इतने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा, देखो। एक मुझे पसंद आया। हाँ लेकिन पापा को नहीं। एक आपको पसंद है, आपके पापा को पसंद नहीं आया? ये येलो कलर नहीं, ये तो नहीं अच्छा लग रहा। ये लिए मैंने हानिया के लिए, देखे अच्छे हैं, हानिया के कपड़ों से मैच हो रहे हैं। तो फाइनली हानिया के जो शूज है ना वो सिलेक्ट हो गए हैं और मैंने ले भी लिए, एक टेंशन ये खत्म हुई। अभी मैं जा रही हूँ लाख के कपड़े देखने के लिए। अभी तक मुस्तफ़ा और मेरे हस्बैंड ने ना मिल के दोनों ने मुस्तफ़ा के शूज सिलेक्ट नहीं किए, अभी तक वहीं पे ढूंढ रहे हैं। खैर मैंने कहा कि आप देखें, मैं जाके जब तक मलाक के कपड़े ले लेती हूँ। जल्दी जल्दी से अब मैं जा रही हूँ गर्ल्स सेक्शन में। मेरे सामने यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक्स हैं माशाल्लाह। यहाँ पे देखें छोटी बच्चियों की, नन्ही नन्ही परियों के लिए इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं ना यहाँ पर, ये देखें। और यहाँ पे मुझे रात भी मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी कि इस तरह का ना मुझे मिल जाए मलाक के लिए, लेकिन नहीं मिला। मैंने कहा किसी और मार्केट ट्राई करूंगी, यहाँ पे आई हूँ अभी, देखती हूँ ढूंढती हूँ, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। ये कितनी प्यारी है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये वाले भी बहुत ही क्यूट है, क्यूट है बिल्कुल, छोटी बच्चों की तरह क्यूट है ये। यहाँ से मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं कि इसमें ना छोटे बच्चों के नहीं मिलेंगे जितनी मेरी मलाक है, यानी बच्चे बड़े जो है ना उनके लिए मिल रहे हैं, मलाक के जितने नहीं मिलेंगे। तो खैर फिर देखती हूँ मैं आगे जाके वहाँ पे। ये है छोटे बच्चों का सेक्शन, तो यहाँ पे जिस टाइप के भी कपड़े हैं ना तो वो आपको छोटे बच्चों के साइज के मिल जाएंगे, लेकिन उस तरह की फ्रॉक नहीं जिस तरह की मुझे चाहिए थी मलाक के लिए। मुस्तफ़ा ये पकड़ो चाबी, खोलो गाड़ी, खोलो और बैठे। घर जाने से पहले हमने यहाँ पर ले लिए सिवैयाँ, चांद रात के लिए। क्या चांद रात ही हमारी चल ही रही है, बस अभी मैं जाके घर पे ही सिवैयाँ बनाऊंगी, अभी भी सब खाएंगे और सुबह जैसे ईद की नमाज पढ़ कर आएंगे तो तब भी खाएंगे।